Open Chrome. Maximize this window. Google search youtube.com. YouTube search how to manual. Open new window. Open incognito window. Minimize this window. Open history. Open downloads. Previous tab. Next tab. Close tab. Close window. Clear browsing history. Close Chrome. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्रोम को ऑटोमेट किया है पायोटो जीयूआई की मदद से। मैंने वही कमांड्स ऑटोमेट किया है जो मैं डेली बेसिस में यूज करता हूँ। और भी बहुत सारा कमांड्स है, जैसे कि हो गया आप देख सकते हो कि एक डॉक्यूमेंटेशन पेज है गूगल क्रोम हेल्प का, यहाँ पे क्रोम कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिया गया है जो कि विंडोज एंड लिनक्स के लिए यह है। आप अगर मैक यूज कर रहे हो तो आपको ये कमांड्स यूज करना है। तो मैं विंडोज में यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो ये ओपन विंडो, ओपन न्यू विंडो एंड टैब विंडो एंड क्लोज, ये सब का यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे फीचर शॉर्टकट्स हैं, क्रोम मेनू, बुकमार्क्स बार, एंड यहाँ पे डेवलपर टूल्स, बहुत सारा और भी फीचर्स हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने यही यूज किया है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एंड उसको मैंने हॉटकी के जरिए प्रेस करवाया जार्विस से। यहाँ पे और भी बहुत सारा कुछ है, आप देख सकते हो। मैं इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तभी मैं कोड दिखाता हूँ। ये बहुत ही बेसिक सा है जो हमने पहले PyTTX3 को इंपोर्ट किया है, जो कि पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल है। एंड उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल इंस्टॉल किया, जिससे हम जो बोलेंगे वो रिकॉग्नाइज होगा। उसके बाद पायोटो GUI को इंपोर्ट किया है, एंड देन टाइम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए इंपोर्ट किया है, जस्ट हमने यहाँ पे क्रोम को ओपन करवाया ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के थ्रू। एंड टाइम को यूज़ किया है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ टाइम को मैंने कहाँ यूज़ किया। यहाँ पे तो यहाँ पे टैब को 4 बार प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद सर्च बार में कर्सर आता है। ये टैब प्रेस करने के बाद ही ये लिखना स्टार्ट कर देगा। अगर ये टैब प्रेस करने के बाद कर्सर को सर्च बार में आने के लिए एक सेकेंड भी नहीं हाफ सेकेंड भी अगर लेट हो जाए ना, तो ये लिखना स्टार्ट कर देगा, एंड वो पहला एक या फिर दो लेटर मिस हो जाएगा। इससे हमें गलत सर्च रिजल्ट मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीप यूज किया है। एंड इसको बड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ पे कोड देख सकते हो। ये तो बेसिक सा कोड है यहाँ तक, जो कि हमने हर एक जार्विस का पिछले जो भी ट्यूटोरियल्स बनाए उसमें यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे इफ से ओपन क्रोम भी हमने पहले यूज किया है। देन यहाँ पे मैक्सिमाइज दिस विंडो, यहाँ पे हमने देख सकते हो कि हॉटकी के जरिए ऑल्ट प्लस स्पेस प्रेस करवाए, देन एक सेकंड का स्लिप देके एक्स को प्रेस करवाए। इससे क्या होता है, आपका विंडो मैक्सिमाइज हो जाता है। देन गूगल सर्च में हमने क्या दिया है कि हम जो भी बोलेंगे गूगल सर्च, देन हम जो बोलेंगे वो गूगल सर्च को रिप्लेस करवा देगा, मतलब गूगल सर्च को स्पेस से रिप्लेस करवा देगा, मतलब गूगल सर्च को नहीं पकड़ेगा वो। नहीं तो हम अगर बोलेंगे कि गूगल सर्च, उसके बाद हम बोलेंगे कि पाइथन, मतलब हम पाइथन के बारे में जानना है, तो हम सर्च करेंगे गूगल सर्च पाइथन, तो वो सर्च बार में क्या लिखेगा, गूगल सर्च पाइथन। तो इससे क्या आएगा, जो सर्च रिजल्ट आएगा वो एफिशिएंट नहीं होगा, हमें ओनली पाइथन सर्च करना है। तो हम बस ये गूगल सर्च को तो क्यूरी में इसलिए लिए हैं, क्यूरी का जो एलसिफ स्टेटमेंट है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। अगर गूगल सर्च बोलेंगे ये एलसिफ जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड ये कोड रन हो जाएगा। तो गूगल सर्च को हमें टाइप तो करवाना नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, गूगल सर्च को रिप्लेस करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्यूरी जो है गूगल सर्च के बिना जो क्यूरी हम दे रहे हैं youtube.com, वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमने टाइम यूज किया है 0.1 सेकेंड। तो मतलब वो 0.1 सेकेंड टाइम लेके धीरे धीरे टाइप होगा। अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो तो आपका एज इट इज एकदम जल्दी से टाइप हो जाएगा। एंड उसके बाद एंटर प्रेस करवाए, एंड देन यहाँ पे यूट्यूब सर्च आप देख सकते हो। हमने जब बोला कि यूट्यूब सर्च, तो वो सेम एक ही चीज करता है कि यूट्यूब सर्च को निकाल देता है, एंड यूट्यूब सर्च बोलने के बाद हम जो कहते हैं उसको सर्च करवाता है। एंड देन आते हैं यहाँ पे ओपन न्यू विंडो, कंट्रोल एन होता है,
इंकॉग्निटो विंडो के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, मिनिमाइज द विंडो के लिए ऑल्ट स्पेस प्रेस करके इन प्रेस करवाना होता है, एंड यहाँ पे आप बाकी का देख सकते हो। एंड जो क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री है इसको हमने कॉम्प्लीट इसीलिए नहीं करवाया कि मुझे अभी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर नहीं करवाना है, जब करवाना होगा तब मैं क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री बोल के करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोड इरेज कर दिया जिससे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता था। तो मैं एक बार रन करके वो प्रोसेस फिर से एक बार दिखाता हूँ। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो जैसे कि आप देख सकते हो वो यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्लियर डेटा पे अगर क्लिक करवा दूँ तो ये जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ से कोड इरेज कर दिया है क्योंकि ये क्लियर डेटा पे क्लिक करते ही मेरा डेटा क्लियर हो जाएगा, जो कि मुझे अभी नहीं करवाना है। 17 ऑटोफिल डेटा है जो कि मुझे चाहिए अभी, तो मैं ये इसका अभी तो क्लियर नहीं करवाना चाहता, इसीलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं करवाया। तो इसके ऊपर क्लिक करना बहुत ही इजी है। मैं जब माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोल का जो ट्यूटोरियल बनाया था वो ट्यूटोरियल में मैंने दिखाया था कि माउस को कैसे यहाँ तक ड्रैग करके इसके ऊपर क्लिक करवाया जाता है। एंड मेरा जो इमेज रिकॉग्निशन का वीडियो आया था कल, ये क्लियर डेटा जो बटन है इस पर्सन का एक स्क्रीनशॉट लेके इसको लोकेट सेंटर ऑन स्क्रीन फंक्शन का यूज करके आप इसके ऊपर क्लिक करवा सकते हो, या फिर आप इसका पिक्सेल कोऑर्डिनेशन लेके आप माउस से भी क्लिक करवा सकते हो, जो कि बहुत ही इजी है। एंड यहाँ पे लास्ट में हमने टास्क स्किल फंक्शन के मदद से क्रोम को क्लोज करवा दिया है। एंड क्लोज विंडो से भी अब मैं करवा सकता था, लेकिन सही तरीके से एकदम टर्मिनेट करने के लिए मैंने टास्क स्किल का यूज किया है।